अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ नईम। आप देख रहे हैं मिल्की फूड चैनल, जहां से आप सीखते हैं घर बैठे बहुत ही आसान बेकिंग। आज एक बड़ी जबरदस्त सी रेसिपी है बेकरी के हवाले से। मैसेज को सीन करते हुए मैं ये रेसिपी बना रहा हूं। बेकरी में इसको वाइन बिस्किट भी कहते हैं, कॉइन बिस्किट भी कहते हैं और एग बिस्किट भी कहते हैं, यानी कि ये तीनों नाम से आपको ये रेसिपी मार्केट में इजीली बन जाएगी। मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला, और मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि बेकरी में जितने आइटम बनते हैं मैं सब आपको सिखाऊंगा, ताकि आप घर बैठे करेंगे आसान बेकिंग। आते हैं रेसिपी की तरफ, एक अदद बाउल लेते हैं और झटपट रेसिपी को बनाते हैं। चले जी, आ गया बाउल, हैंड बीटर के साथ बनाने लगे बिना किसी टेंशन के। सबसे पहले मक्खन जाएगा इसके अंदर। मक्खन रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर आप मक्खन नहीं यूज़ करना चाहते तो शॉर्टनिंग यूज़ करें, ऑयल नहीं यूज़ होगा, ठीक है। शॉर्टनिंग और बटर दोनों की जगह कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। तो मैं डालने लगा हूँ इसके अंदर मक्खन और साथ ही शुगर, दानेदार जो घर में आप लोग यूज करते हैं, इसको करेंगे मिक्स। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर भी नहीं है तो आप हैंड विक्स के साथ भी इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके के साथ। चलें, बहरहाल मैं इसको करने लगा हूं अभी बीटर के साथ। और एक अदद अंडा मैं एक बाउल में तोड़ के रख लेता हूं उसको, क्योंकि मैंने इसके अंदर डालना है थोड़ी देर के बाद एक अंडा। चलें, ये आ गया बीटर हमारे पास। अब डालेंगे इसके अंदर एक अंडा, फिर थोड़ी देर बीट करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरीके से हम ये तीन अंडे स्टेप बाय स्टेप यूज कर लेंगे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टेप हुआ कंप्लीट। उसका टेक्सचर आपको दिखा देता हूँ। और अब डालेंगे इसके अंदर लेमन एसेंस, ये देखिए। इसके अंदर नमक जाएगा, नमक डाल दिया, मिक्स किया। अब जाएगा इसके अंदर लेमन एसेंस। लेमन एसेंस हम थोड़ा सा इसके अंदर तेज रखते हैं, ठीक है, ताकि खाते हुए आपको अरोमा आना चाहिए। ये इसके अंदर गया लेमन एसेंस, चाहे तो फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हैं। करेंगे इसको अगेन मिक्स। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैदा और साथ जाएगा बेकिंग पाउडर, और करेंगे हम इसको मिक्स। चलें जी, इसको भी कर लेंगे मिक्स, और हमारे वाइन बिस्किट हो गए बिल्कुल रेडी, ठीक है जी। वाइन बिस्किट, जैसा कि मैंने कहा, कॉइन बिस्किट और एग बिस्किट, अच्छे तरीके से करना है आपने इसको मिक्स। फिर आपने डालना है इसको पाइपिंग बैग के अंदर, और अगला स्टेप आपको अब मैं दिखाने लगा हूँ। इसको हम डालेंगे पाइपिंग बैग के अंदर, ठीक है जी। बिस्किट हुए बिल्कुल रेडी। चलेंगे, अब हम डालेंगे इसको पाइपिंग बैग के अंदर। ये देखिए, मिक्सर आपको दिखा दूँ, ये फाइनल इसका। और एक अदद लेंगे ट्रे, इसको काटेंगे बिल्कुल बारीक आगे से ना। ये पाइपिंग बैग में आ गया, बिल्कुल बारीक काटेंगे इसको। दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से, ये देखें इतना काटेंगे इसको। ये आ गई ट्रे हमारे पास। अब ये तरीका कार आपने सिर्फ देखना है, बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं हो, बहुत ज्यादा छोटा ना हो, इक्वल साइज होगा, ताकि जब हम इसको बेक करेंगे तो एक ही जैसा लुक हो, कहीं से जले ना। अगर पतला होगा तो वो जल्दी जल जाएगा, मोटा होगा तो वो टाइम लगेगा। तो कोशिश करेंगे कि एक ही जैसा साइज रखें और गैप के साथ। और इसका टेम्परेचर होगा 170, और ये 12 से 13 मिनट के अंदर बेक हो जाएगा। चलेंगे, ये देख, ज्यादा नहीं, बस अंदाजे से ज्यादा ना इसको मोटा करना है और ना इसको पतला करना है,
और गैप के साथ। तो इसको बनाने के बाद हम करते हैं इंशाल्लाह ताला इसको बेक। वाइन बिस्किट, अच्छा, चीनी 125 ग्राम, मक्खन 125 ग्राम, मैदा 135 ग्राम, अंडे 3 अदद, लेमन एसेंस हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम। जी जनाब, लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह लुक बहुत बेहतर है। अगर आपको लगता है कि ये आपके वाइन बिस्किट थोड़े से फैल रहे हैं तो हल्का सा एक्स्ट्रा मैदा आप डाल सकते हैं उसको मिक्स करके। जैसे कि जब हमने मिक्सर रेडी कर दिया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे हाथ में मैदा भर के डाल दें उसके अंदर और मज़ीद मिक्स करें तो जो इसका बहुत ज़्यादा फैलना पाए वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसका लुक ये ऐसे ही छोटे बिस्किट लुक वाइज बहुत खूबसूरत और ये बड़ा ही क्रिस्पी, ये देखें ये क्रिस्पी बने इसके अंदर। आपने इस रेसिपी को सेम ऐसे ही फॉलो करना है। जैसा कि मैंने बताया, बेकरियों में जितनी चीज़ें बनती है इंशाल्लाह ताला एक एक चीज़ आपको क्लियर तरीके से बताऊंगा, इजी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इंशाल्लाह ताला बेकिंग हर घर में होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ताकि आने वाली वीडियोस से आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी इंशाल्लाह ताला अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाइन बिस्किट, अच्छा, चीनी 125 ग्राम, मक्खन 125 ग्राम, मैदा 135 ग्राम, अंडे 3 अदद, लेमन एसेंस हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम। तरकीब, एक बोल में मक्खन और चीनी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक एक करके अंडे शामिल कर लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद नमक और लेमन एसेंस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें मैदा और बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को एक पाइपिंग बैग में डालकर एक ट्रे के ऊपर बिस्किट की शक्ल दे दें। अब इसे 170 डिग्री पर 12 मिनट के लिए बेक कर लें।